नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट पर। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक भर्ती की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, आज जिस वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं आपको, युवा वैकेंसी साथियों इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई है। और साथियों, मल्टी टास्किंग स्टाफ पर पियोन के पदों पर कुछ पद निकले हुए हैं। तो साथियों, इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पियोन पदों पर वैकेंसी है, और साथियों नंबर ऑफ जो वैकेंसी है यहाँ पर वेरियस पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और साथियों, यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है वो है 18,000 से 56,900 रुपये। तो साथियों, 18,000 से 56,900 रुपये पर मंथ पे स्केल है। और साथियों, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो ओनली 12th पास है। साथियों, 12th पास स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, एज लिमिट है वो है 18 से 27 वर्ष। 18 और 27 के बीच में जिनकी आयु है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन है साथियों ऑल इंडिया। ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नो फीस है साथियों, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और साथियों, जो सेलेक्शन मोड है जो वो है साथियों रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको पास करना होगा। और साथियों, अप्लाई जो मोड है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, जो सिलेक्शन है वो एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम में पास होने के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू में पास होने पर आपका सिलेक्शन होगा। और साथियों, इसकी जो वेबसाइट है वो है joinindiancoastguard.gov.in। तो साथियों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप अपना फॉर्म डाउनलोड करके साथियों अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 18 जून। 18 जून से पहले आप अपना फॉर्म यहाँ से भेज सकते हैं, वहाँ तक उस एड्रेस तक पहुँचना ज़रूरी है। और साथियों, जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेवे ताकि प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।